सो so, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज तो स्टार्टिंग के जो सेवन क्वेश्चन है उनको ही आज की क्लास में हम कवर करेंगे सो so, क्लास को शुरू करते हैं चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम टू पॉइंट टू एक्सरसाइज भी कर चुके हैं साथ ही जब हमने मिसलिनियस एग्जाम्पल किया था यानी सारे के सारे एग्जाम्पल किए थे उसमें हमने मिसलिनियस एग्जाम्पल भी कवर किया था तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने वहां पर कवर किया था तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉश इनवर्स है यहाँ पर कॉस है तो सब कुछ तो है तो ये आंसर हो सकता है लेकिन नहीं क्योंकि ये जो, जीरो टू राइट? So, यहाँ पर ये जो क्योंकि ये क्या है थर्टीन ओवर सिक्स सिक्स से आप इसमें डिवाइड करोगे तो टू पाए से ज्यादा आएगा ठीक है सो यहाँ पर सीधी सी बात है इसको हमको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा जिससे कि ये कॉस इनवर्स की रेंज में आ जाए चलिए करते हैं इसको

समझ रहे हैं बात को तो ट्वेल्व से हम काम बनाएंगे कि ट्वेल्व में ट्वेल्व पाए में हम क्या ऐड करें कि हमको थर्टीन मिले तो ट्वेल्व पाए में हम ऐड करेंगे तो हमको थर्टीन पाए मिल जाएगा और ये जो है 6 से डिविजिबल भी हो जाएगा दैटरी तो से काम करना है ठीक है so, सो यहाँ पर हमने क्या किया हमने लिखा ट्वेल्व पाए प्लस पाए ओवर सिक्स बस सीधी सी बात है डिनोमिनेटर से ये वाली वैल्यू डिविजिबल होनी चाहिए सो so, ये हो गया राइट right. अब इसको स्प्लिट करेंगे सो so, तो ये बात ये आ जाएगा आपका टू पाए प्लस पाए बाय सिक्स ओके बात समझ गए ठीक है अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है टू पाए प्लस पाए बाय सिक्स यानी कि फर्स्ट क्वार दूसरी चीज यहाँ पर टू पाए है तो कॉस का कॉस ही रहेगा समझ रहे बात को टू पाई प्लस टू पाई माइनस पाई प्लस पाई माइनस इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते यानी चेंज नहीं होता सो so, तो टू तो ही रहेगा साथ ही टू पाई प्लस में ऑल पॉजिटिव तो यहां से काम बन गया अपना ये हो जाएगा आपका देखो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपका एक मिनट कॉस पाए बाय सिक्स अब आपको बस इतना देखना है कि ये जो पाए बाय सिक्स है ये आपका इस

राइट right. तो आपके पास ऑप्शन है आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर वीडियो को फास्ट कर सकते हैं और यही सेम चीज आप कम समय में पढ़ सकते हैं यानी आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा वीडियो फास्ट हो जाएगा तो राइट चलिए सो ये टेन इनवर्स हो गया यहाँ पर टेन है और सेवन फाइव बाई सी आपका आंसर होना चाहिए लेकिन ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि टेन इनवर्स की रेंज में ये नहीं आ रहा है टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है

इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है साथ ही π प्लस है ठीक है π प्लस है तो π के कारण tan 10 ही रहेगा चेंज नहीं होगा और साथ ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है तो बात ही खत्म हो गई सो यहाँ से ये यह आ जाएगा आपका tan π 6 tan 180 θ

अब आपकी चॉइस है चाहो तो इधर से इधर चले जाओ चाहो तो इधर से इधर चले जाओ अब यहाँ पर क्योंकि हमको टू दिख रहा है और ये साइन इनवर्स दिख रहा है तो हम एल एच एस सी लेकर कर लेते हैं सिंपल सो so, यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स है और इसी तरीके का सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज टू पॉइंट टू में किया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उससे हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं तो सबसे पहली चीज कि लेट जो आपका साइन इनवर्स थ्री अप फाइव है इसको हमने ले लिया थीटा

उसमें ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये हाइपोटेनस की वैल्यू है और टेन थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी बेस चाहिए मेन परपेंडिकुलर तो अपने पास है तो सीधी सी बात है राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर दो साइड हमारे पास है तो तीसरी साइड तो हम बिल्कुल फाइंड कर ही सकते हैं क्लास टेन से ये चीज सीखते आ रहे हैं तो इतना कुछ नया नहीं है तो यहां पर हमने क्या किया राइट एंगल ट्राइंगल बनाया राइट राइट एंगल ट्राइंगल ये अपना हो गया एक मिनट ये हो गया अपना थीटा राइट right? और हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास थ्री है हाइपोटेनस की वैल्यू फाइव है हमको चाहिए अपना बेस ठीक है सो तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम सो so, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर राइट सो हाइपोटेनस कितना है अपना फाइव फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परपेंडिकुलर कितना है थ्री थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन प्लस बेस स्क्वायर सो यहाँ से बेस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सिक्सटीन सो बेस आ जाएगा अपना फोर तो ये वैल्यू आ गई अपनी फोर अब आप आराम से यहाँ से टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं सो so यहाँ से मैंने उठाया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर कितना था थ्री बेस हमने फाइंड किया फोर ठीक है अब यहीं से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमको टेन इनवर्स चाहिए सो so यहाँ से हमने उठाया टेन इनवर्स थ्री अप फोर देखो यहीं से समझाती हूँ या फिर एक स्टेप और कर ही लेते हैं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका थ्री अपॉन फोर और सीधी सी बात है अगर टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स में जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर राइट समझे बात को अब यहां पर एक चीज देखो कि थीटा तो अपना वही है ना भाई ये जो थीटा है अपना ये जो थीटा है इसी से अपना ये साइन थीटा बनाया और इसी से अपना ये टेन थीटा बनाए तो थीटा तो दोनों के लिए सेम है तो सीधी सी बात जब थीटा इक्वल टू तो साइन इन वर्स है और थीटा इक्वल टू टेन थ्री है तो सीधी सी बात है सैन इन थ्री इन थ्री तो इक्वल नहीं है बस बा, बात खत्म तो यहां पर चाहो तो उसको दे दो इक्वेशन नंबर टू सो यहां पर इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों हो जाएंगे इक्वल सो so, यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर बात समझ गया तो इस तरीके से चेंज करना है आप बिल्कुल इस चीज को आराम से ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए और इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइज 2.2 में कर चुके हैं राइट सो so, यहाँ पर साइन इनवर्स था इसी से हमने हमारा टेन इनवर्स फाइंड कर लिया राइट सो so, अब यहां पर ये यह जो हमारे पास एल उठाएंगे इसमें हम वैल्यू रख देंगे सो so, यहाँ पर अपन लिखेंगे टेकिंग एल एल एच एस जो था वो अपना क्या था टू साइन इन थ्री अपॉन जगह पे पे हमने लिखा 2, और inverse, 3 upon 5 की जगह पे आप क्लियर देख पा रहे हैं inverse, 3 upon 4. So, यहां पर हमने लिखा inverse, 3 upon 4. अब आप अगर देखें, तो एल एच एस तो हमारा ये है लेकिन आर एच एस हमारा ये नहीं आया हमारा क्या है यहां पर क्या है ट्वेंटी बट uh, यहां पर टू टेन इनवर्स थ्री अपॉन तो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा बस वही फॉर्मूला यहाँ पर हमको लगाना है सो so, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स फॉर्मूला में ये साइड में लिख देती हूँ टेन इनवर्स 2x एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला हमारा रहेगा किसका टू एक मिनट टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे टेन इनवर्स टू एक्स की जगह पे क्या है अपना थ्री अपॉन फोर टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वा थ्री थ्री नाइन फोर फोर सिक्सटीन बस इसको सॉल्व कर लीजिए सो so, यहां पर क्या हो जाएगा देखो ये टेन इनवर्स अपना एज इट इज है टू थ्री जार सिक्स अपॉन फोर सिक्सटीन माइनस नाइन ये हो जाएगा सेवन अपॉन सिक्सटीन इसको सॉल्व कर लो समझे बात को या फिर यहाँ कर लेते हैं चलो देखो ये टेन इनवर्स अपना एज इट इज है ये हो जाएगा टू थ्री हजार सिक्स अपॉन फोर अपॉन इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो सिक्सटीन माइनस नाइन हो जाएगा आपका सेवन राइट अपॉन में क्या आ जाएगा सिक्सटीन ठीक है अब इस फोर से डिनोमिनेटर के ये कैंसिल हो सकता है फोर फोर हजार सिक्सटीन राइट सो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स सिक्स अपॉन वन इंटू फोर अपॉन सेवन सो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन और यही है अपना आर एच एस समझ गया बात को तो यहां पर हमने क्या करा था हम एल एच एस लेकर चले थे पहले तो हमने साइन इनवर्स को चेंज किया हमारे टेन इनवर्स में फिर हमने एल एच एस उठाया बट ये रिजल्ट हमको आर एच एस में नहीं दिख रहा था तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा लगा दिया फॉर्मूला लगाया इसको सॉल्व कर लिया और हमको मिल गया हमारा आर एच एस ठीक है तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर थ्री था ये होता है खत्म चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तो तो पर पर क्या है inverse, inverse, और यहां पर है है इनवर्स 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 और सीधी सी बात है कि अगर आपको रिजल्ट में चाहिए तो इस साइन को भी चेंज कर लो टेन में इस साइन को भी चेंज कर लो टेन में कैसे करना है आपको पता ही है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया सो so, यहां पर सबसे पहली चीज हमने लिया यहां पर लेट साइन इनवर्स एट अपॉन सेवनटीन ठीक है अगर हमने इसको ले लिया थीटा ठीक है सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू एट अपॉन सेवेंटीन राइट और यही हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपटीनस अब यहाँ से हम आराम से बेस फाइंड कर सकते हैं सो so, देखो हम कोई राइट right एंगल नहीं बना रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर अपने को एट मिली गया परपेंडिकुलर एट है हाइपोटीनस सेवेंटीन है जब परपेंडिकुलर और और हाइपरटीनस अपने पास है तो बेस तो अपन फाइंड कर ही सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपर्टीनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो हाइपर्टीनस कितना है अपना सेवनटीन सो ये हो जाएगा अपना टू एटी नाइन इक्ल टू परपेंडिकुलर कितना है राइट सो यहाँ से बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू एटी नाइन माइनस 64 तो बेस इक्वल टू नाइन माइनस फोर ये हो जाएगा 5, 2, 2, 2, 2, 25. तो बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका फिफ्टीन ओके सो so, यहाँ से आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हो तो यहाँ से मैंने उठाया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था अपना एट और बेस कितना हो गया

सेकेंड सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन इनवर्स एट अपॉन क्या था यार एट अपॉन सेवेंटीन इक्वल टू टेन इनवर्स एट अपॉन फिफ्टीन राइट चल सो पहला काम अपना खत्म ठीक अब अब हम क्या करेंगे ये जो साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव है इसको भी चेंज कर लेंगे अपन तो यहाँ पर अपन ने लिखा साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू थीटा हमने लिया लेट सपोज तो यहाँ पर अपने को साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी थ्री अपॉन फाइव यहाँ से ये यह परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपरटीनस हो गया अब जब परपेंडिकुलर अपने पास है हाइपरटीनस अपने पास है तो सीधी सी बात है यहाँ से अपन अपना बेस तो फाइंड कर ही सकते हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो हाइपोटेनस कितना है फाइव तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इक्वल टू नाइन प्लस बेस स्क्वायर सो बेस स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सो बेस स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन सो यहाँ से बेस आ गया आपका फोर समझ गया बात को करेक्ट ठीक है अब यहाँ से बेस जब अपने पास आ गया तो हम आराम से यहाँ से टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू तो ये हो जाएगा अपना क्या था थ्री अपॉन फाइव सो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर ठीक है और यहीं से थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थ्री अपॉन फोर ठीक है so सो यहां पर आप दे दो इक्वेशन नंबर टू सो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सो फ्रॉम अरे यार फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहां पर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फाइव ही था ना रेक्ट सो यह आ गया अब बस अपना उठाओ एल एच एस सो यहां लिखेंगे अपन टेकिंग एल एच एस एल एच एस में अपना क्या था साइन इनवर्स एट अपॉन सेवनटीन प्लस साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव समझ रहे हैं बात को ठीक है यही था देखो साइन इनवर्स एट अपॉन सेवनटीन प्लस साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव और इसको हमने टेन इनवर्स में चेंज कर लिया और इसको भी हमने टेन इनवर्स में चेंज कर लिया है सो यहाँ पर देखो इस एट अपन सेवनटीन को हम लिखेंगे एट अपॉन फिफ्टीन टेन इनवर्स और थ्री अपॉन फाइव साइन इनवर्स को लिखेंगे थ्री अपॉन फोर टेन इनवर्स तो बस ये दोनों वैल्यू रखना एट अपॉन फिफ्टीन थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर तो ये देखो काफी हद तक टेन इनवर्स में तो चेंज हो गया है लेकिन अब यहां पर तो हमारा जो आंसर है अगर आप आर देखो तो ये टेन इनवर्स सेवेंटी सेवन ओवर थर्टी सिक्स तो यहां पर हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा फिर से तो ये थर्ड टाइम हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं सो so, ये हो जाएगा देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस y upon ऑन वन माइनस एक्स वाई बस ठीक है इधर से फॉर्मूला अपना कौन सा लग रहा है टेन inverse x एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है ठीक है अब बस इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं इसको अब देखो फिफ्टीन और फोर का अपन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिक्सटी सो तो ध्यान देना ध्यान देना यहां पर टेन inverse यहाँ पर अपन ने ये ब्रैकेट लगाया ठीक है ये सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर लगाया अब फिफ्टीन और फोर का एल्सियम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 60। फिफ्टीन में सिक्सटी से डिवाइड फिफ्टीन से सिक्सटी में डिवाइड करोगे तो आएगा फोर और फोर एट थर्टी टू प्लस अब इस फोर से सिक्सटी में डिवाइड करो तो फिफ्टीन टाइम जाएगा फिफ्टीन इंटू थ्री करोगे तो फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव ठीक है डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटी 8, 3, 0, 24 60. और यहां पर इस 60 से ये गया ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो आगे सो so, यहाँ पर ये टेन इनवर्स अपना एज इट इज है और इसको सॉल्व करोगे तो फाइव प्लस टू सेवन फोर प्लस थ्री सेवन तो ये आ गया सेवेंटी सेवन अपॉन यहाँ आ जाएगा आपका थर्टी सिक्स तो यही चाहिए था कि आपने को देखो तो जरा राइट right. तो so, हमने लेकर चले और RHS ले आए चलिए सो so, बस इस क्वेश्चन में क्या करना था हमने inverse 8 upon 17 से सबसे और यहाँ पर 10 inverse में इसको हमने एल एच एस उठाकर इसमें वैल्यू रखी यहाँ पर एक फॉर्मुला लगाया और उसको सॉल्व कर लिया ठीक right, है तो क्वेश्चन नंबर फोर खत्म अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की सो so, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव की so, यहां पर क्या है? Cos कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन और आर में भी आप देख पा रहे हैं कॉस इनवर्स थर्टी थ्री ओवर सिक्सटी फाइव तो देखिए इस तरीके का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है लेकिन टेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला जरूर है तो वहां से काम बन सकता है क्योंकि देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम टेन में कन्वर्ट कर लेंगे टेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा और उस टेन को हम इस कॉस में चेंज कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो आप कैसे चेंज करोगे इस कॉस को हम टेन में चेंज कर लेंगे इस कॉस को भी टेन में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले चलो और एक चीज और पिछला जो क्वेश्चन था अपना यहाँ पर देखो अपन ऑलरेडी थीटा यूज कर, कर चुके थे तो यहाँ पर अपने को फाय यूज करना था सो तो आप ये चीज चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर तो अपना थीटा ही था यहाँ पर थीटा यूज कर चुके थे अपन तो यहाँ पर जब दूसरी बार हमने यूज किया था तो हमको फाय लेना चाहिए था तो हम इसको फाय में चेंज कर देते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा इधर पर नहीं तो ये फाय ये फाइव ये फाइव राइट ठीक है चलिए सो अब करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर फाइव को सबसे पहले कॉस इनवर्स फोर अपॉन फाइव को टेन में चेंज करेंगे so, let. Cos so, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू फोर अपॉन फाइव सो ये हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटीनस अब हमारे पास बेस है हाइपोटीनस है तो यहां पर थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं राइट सो पर बाय थ्योरम ठीक है तो ये क्या होता है हाइपर्टीनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो हाइपर्टिनस क्लियर दिख रहा है फाइव बेस दिख रहा है फोर सो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव परपेंडिकुलर अपने पास है नहीं फोर फोर सिक्स टू नाइन आ जाएगा तो परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाएगा थ्री तो परपेंडिकुलर आ गया अब यहाँ से आराम से आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हो सो so, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस सो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया थ्री बेस कितना था अपना फोर समझ के बात को, सो so, यहीं से अपन क्या करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे tan इनवर्स में ठीक है सो so, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4 सो सीधी सी बात है कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 है और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 5 है तो सीधी सी बात है cos इनवर्स और tan इनवर्स इक्वल हो जाएंगे राइट So, यहां पर अपन चाहो तो इस तरीके से आप लिखो प्रॉपर ही करो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो प्रॉपर ही लिखना पड़ेगा अगर इस तरीके की गड़बड़ करोगे तो दिक्कत होगी ठीक है तो प्रॉपर करिए सारी चीजों को तो ये इक्वेशन वन और टू है तो यहाँ लिख दीजिएगा आप कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कॉस इनवर्स फोर अपॉन क्या था फाइव था फोर अपॉन फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर तो सीधी सी बात अब इस कॉस इनवर्स की जगह पर हम टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर लिख सकते हैं चलिए अब अपन बात करेंगे कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन की सो नाउ लेट कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन इक्वल टू थीटा पहले ले चुके हैं तो अब यहां पर फाइव ले लेंगे सो so, यहां से अपना कॉस फाइव इक्वल टू आ गया ट्वेल्व अपॉन थर्टीन ठीक है और ये क्या होता है अपना बेस ओवर हाइपोटीनस समझ गए सो यहाँ से अब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल वगैरह आप लोग बना लेना ठीक है चाहो तो यहां पर मैं बना देती हूँ तो अगर अपन ट्राइंगल बना लेती है इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बना लिया ठीक है ये अपना फाइव हो गया यहाँ पर भी ट्राइंगल बना लेना अपने ये अपना थीटा हो गया ठीक है बेस अपना यहाँ पर फोर था और इसके बाद हाइपोटीनस अपना यहाँ पर फाइव था यहाँ पर बात करें तो बेस अपना ट्वेल्व है हाइपर्टीनस थर्टीन है पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और अपना परपेंडिकुलर फाइन कर लोगे सो so, यहाँ पर हाइपर्टीनस स्क्वायर इज इक्वल टू तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर राइट सो so, हाइपर्टीनस कितना थर्टीन थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन इक्वल टू तो परपेंडिकुलर अपने पास है नहीं बेस कितना है ट्वेल्व तो वन फोर्टी फोर ठीक है समझ के बाद यहाँ पर सो 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 से से so, आ गया आपका समझ गया बात को, okay. so, अब यहां से हम टेन फाइव फाइंड कर लेंगे सो टेन फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस सो परपेंडिकुलर आ गया फाइव बेस कितना 12. है अपना ट्वेल्व ठीक है सो यहीं से हम फाइव की वैल्यू फाइंड कर लेंगे टेन इनवर्स फाइव अपॉन ट्वेल्व सो अब यहाँ पर इसको चाहो तो आप दूसरी इक्वेशन दे दो ये दे दो आप इक्वेशन नंबर थ्री क्योंकि वन टू ऑलरेडी दे चुके हो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर यहाँ पर लिख दो फ्रॉम थ्री एंड फोर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे आपको क्या मिल गया कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन इक्वल टू टेन इनवर्स फाइव Value. समझ गया बात को चलो सो so, इतना काम हो गया अब सीधा हमको उठाना है हमारा एल और एल में ये वैल्यू रख देना है ठीक है सो टेकिंग एल एच एस सो एल एच एस क्या था अपना कॉस इनवर्स फोर अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन और देखिए अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं नहीं भी कर रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है और ध्यान रखिए कि अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं बट स्किप मत करिएगा स्किप करेंगे तो चीज़ें छूटेंगी वीडियो को फास्ट करके देखेंगे तो चीज़ें नहीं छूटेंगी और टाइम भी बचेगा राइट चलिए सो ये हो गया समझ गया ना बात को अब इसकी जगह पे अपने को टेन रखना है और यहां पर आप देख पा रहे हो 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 की की जगह जगह पे पे ये ये लिख सकते हो, तो लिख लिख सकते सकते तो हमने कन्वर्ट कर लिया अब यहां पर देखो हमको RHS में चाहिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर लगाएंगे अपना में करेंगे, तो सबसे पहली चीज तो कि सीधी सी बात है भाई इसके लिए अपने पास कोई नहीं था ठीक है लेकिन अपने पास एक कनेक्शन है किस चीज का टेन का कि यहां पर भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो दोनों को और फिर टेन इनवर्स को वापस इधर इनवर्स में चेंज कर दो तो आपका प्रूफ तो हो ही जाएगा ना बस बात खत्म सो so, देखो यहां पर टेन इन एक्स प्लस तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई ठीक है बस इसको सॉल्व कर लो आप तो देखो यहां पर हमने क्या किया सबसे पहले लेके सॉल्व किया ये आया अपने पास और यहाँ पर क्या किया थ्री फोर हजार यहाँ ट्वेल्व हो रहा था तो फोर फोर 16 सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस फाइव अपने पास मिला अपने को कितना 11 ठीक है समझ गया बात को और यहाँ पर डेनोमिनेटर में देखो इससे फोर uh, थ्री 12 ट्वेल्व फोर फोर सिक्सटीन फिर इसके बाद यहाँ क्या बचा था अपने पास नाइन प्लस फाइव अपने पास 14 अपॉन थ्री तो फोर्टीन अपॉन थ्री एज इट इज है और ये क्या था अपने पास इलेवन अपॉन फोर तो हमने उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख दिया फोर अपॉन इलेवन दैट ठीक है चलो तो और कुछ कैंसिल हो रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो 56 33. समझ गया बात को अब अब आपको यहां पर क्या करना है देखो ये तो आ गया अब क्या 10 को आप में कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो जैसे भाई ये दोनों कॉस को इन दोनों कॉस को आपने टेन इनवर्स में कन्वर्ट करा बस उसी मैथड से आप इस टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो तो चलो करते हैं इसको so, यहां पर अपन क्या लिखेंगे लेट Right? यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है क्योंकि फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा थर्टी थ्री का स्क्वायर करना पड़ेगा राइट right? चलो ये हो गया अब ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस तो हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा कॉस थीटा अगर फाइंड करना है तो सो so यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है ये तो अपना हो गया थीटा ठीक है इसके बाद परपेंडिकुलर कितना है 56 और बेस कितना है अपना 33 थ्री हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल्स तू परपेंडिकुलर कितना है 56 का स्क्वायर प्लस 33 बेस का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 65 राइट ठीक है तो हाइपरटेनस आ गया अब आराम से आप कोस थीटा फाइंड कर सकते हो सो नाउ कोस थीटा इक्वल तू बेस ओवर हाइपरटेनस तो हाइपरटेनस तो 65 आ गया बेस कितना था बेस बेस, बेस. थर्टी थ्री राइट सो कॉस थीटा गया लेकिन यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटी फाइव राइट समझ गया बात को अब सीधी सी बात है फिर से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर टेन इनवर्स इक्वल टू थीटा है और कॉस इनवर्स इक्वल टू थीटा तो उस टेन इनवर्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं सो so, सो टेन इन्वर्स कितना था फिफ्टी सिक्स ओवर थर्टी थ्री फिफ्टी सिक्स ओवर थर्टी थ्री इक्वल टू पॉस इनवर्स थर्टी थ्री ओवर सिक्सटी फाइव यही लाना था क्या देख लो भाई आर एच एस में जाके बिल्कुल थर्टी थ्री ओवर सिक्सटी फाइव ठीक है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल था क्योंकि सबसे पहली बात तो कि सीधा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था हमने इस कॉस्ट इनवर्स को ये वाले को टेन इनवर्स में चेंज किया इस वाले क्वेश्चन को टेन इनवर्स में चेंज किया ये देखो ठीक है फिर इधर पे फॉर्मूला लगाया तो जो हमको आंसर मिला वो टेन इनवर्स में मिला ये फिर हमने इस टेन इनवर्स को वापस से चेंज किया इस टेन इनवर्स को हमने कॉस इनवर्स में चेंज किया तो इस थर्टी थ्री 33, 33, 33 की जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है, सो so ये आ गया आपका आर एच एस एंड हैंड्स प्रूव खत्म ठीक है समझ के बाद को चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो ये भी बिल्कुल अपने पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स और हमको चाहिए क्या रिजल्ट में साइन इनवर्स तो सीधी सी बात है इस क्वेश्चन इनवर्स को साइन में चेंज टेन में चेंज कर लो इस साइन इनवर्स को टेन में चेंज कर लो फिर जो रिजल्ट आए उसको वापस से साइन में चेंज कर दो तो पूरी लेंदी प्रोसेस है तो इसको फटाफट से अपन करेंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप समझ ही चुके हैं चलो तो सबसे पहले तो ये जो कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन उठाया अपन ने इसको अपन ने थीटा ले लिया राइट यहाँ से आपको

स्क्र टू वन सिक्स माइनस वन फोर्टी फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हमने ठीक है सॉल्व करना आपको आता है, है जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो अब यहाँ से अगर आप टेन थीटा फाइंड करते हो तो टेन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर कितना है बेस 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 इतना कितना है ट्वेल्व आ गया तो यहाँ से थीटा इक्वल टू तो कितना आ गया टेन इनवर्स फाइव अपॉन गए चलो अब अगली स्टेप अब यहाँ पर अगली स्टेप अपन क्या करेंगे ये जो साइन इनवर्स है इसको भी अपन किसमें चेंज करेंगे टेन इनवर्स में तो यहाँ पर अपन ने लिया साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू तो थीटा तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ठीक है सो so, यहां से अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो हाइपोटेनस कितना है फाइव तो फाइव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है थ्री 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 जीरो नाइन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू नाइन प्लस बेस स्क्र ठीक है तो यहाँ से बेस स्क्र इक्वल टू ट्वेंटी तो, तो ये आ जाएगा आपका फोर तो बेस आ गया फोर अब यहाँ से टेन थीटा फाइंड कर लो तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर कितना था थ्री बेस कितना फाइंड किया फोर ठीक है समझ गए बात को अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर So, यहां पर सीधी सी बात है क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स फाइव अपॉन ट्वेल्व तो देखो किस तरीके से सिस्टमेटिक आपको इन क्वेश्चंस को करना है वो चीज हम ऑलरेडी इससे पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं तो अब इन क्वेश्चंस को बस मुझे आपको समझाना है कि किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होंगी किस तरीके से इसमें चीजें होंगी अदरवाइज आपको जो प्रॉपर तरीका है जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको करके बताया बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है इसके अगर बात करें, तो यहां पर आपका जो साइन इनवर्स साइन इनवर्स क्या था टू ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर अब अपन लेंगे एलएचएस समझे बात को भाई में जो ये जो दोनों चीजें थी इनको हमने टेन में कन्वर्ट कर लिया अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे उसको सॉल्व करेंगे चलो सो so, यहां पर लिखेंगे अपन Now taking LHS. तो LHS क्या था अपना कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन प्लस साइन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव ये अपना एल था अब अपन क्या करेंगे इसकी जगह पे अपन ने ये रखना है ठीक है और इसकी जगह पे अपन ने ये रखना है तो रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर अपन ने क्या रखा टेन इनवर्स फाइव अपॉन ट्री अपॉन फोर अब यहां पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई समझ के बाद को बस इसको आप सॉल्व कर लो काम खत्म तो इसको सॉल्व आप कर ही लेंगे तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही जा रहा है इसमें भी कुछ नहीं है हमने क्या कि सबसे पहले यहाँ पर एल लिया तो ट्वेल्व और फोर एलसीएम का, का लिया तो ट्वेल्व आया एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में आ गया फाइव प्लस नाइन इधर की बात करें तो थ्री फोर जार ट्वेल्व फोर फोर जार्सटी सिक्सटीन माइनस फाइव अपॉन सिक्सटीन ठीक है अब इसको भी अपन कैंसिल कर सकते हैं तो फोर थ्री जार ट्वेल्व फोर फोर जार सिक्सटीन ठीक चलो सो so ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स फाइव प्लस नाइन फोरटीन अपॉन थ्री राइट इन टू फोर अपॉन ये हो जाएगा आपके पास इलेवन तो ये बिल्कुल सेम टू तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया इसमें तो कुछ है ही नहीं तो ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स फिफ्टी सिक्स अपॉन एक मिनट हमने कुछ गलत लिख लिया यहाँ थ्री है ये थ्री है यहाँ पे तो हमने यहाँ थर्टीन लिख लिया था गलती से ठीक है थर्टी थ्री ठीक है सीधी सी बात है अब यहां से इसको हमको क्या बनाना है आर एच एस में क्या दिखाई दे रहा है अपने को साइन इनवर्स ठीक है तो साइन में कन्वर्ट कर लो बस बात खत्म सो so, यहाँ पे ये यह अपना चल रहा है सो so, यहीं से देखो ना। अगर नाउ अगर अपन इसको इसकी बात करें तो यहां पर क्या है ये अपना टेन इनवर्स फिफ्टी सिक्स अपॉन थर्टी थ्री टू अगर अपन ने फाइव लिया सो so, यहाँ से टेन फाइव इक्वल टू आ गया फिफ्टी सिक्स अपॉन थर्टी थ्री सो टेन टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस So, ये तो आ गया परपेंडिकुलर ये आ गया बेस अब हाइपोटेनस फाइंड करना है तो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है so, सो स्क्वायर इज़ तो परपेंडिकुलर यानी 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर सो so, स्क्वायर जाएगा इधर ये आ जाएगा आपका 65 तो हाइपोटेनस आ गया अब आप आराम से साइन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां हो जाएगा साइन फाइव इक्वल टू हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर कितना था अपना फिफ्टी सिक्सटी फाइव ठीक है से क्या हो जाएगा अपना पाई इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन अब आप एक चीज देखो देखो वही चीज है सेम टू सेम यहाँ तक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है खत्म लेकिन सीधी सी बात है कि अपने को आर एच एस में जो चाहिए वो साइन इनवर्स है तो जैसे हमने कॉस को टेन में चेंज किया साइन को टेन में चेंज किया और रिजल्ट हमारे पास क्या आया आखिर में टेन आ गया लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए साइन तो बस उसी मेथड से इस टेन इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में चेंज कर लिया वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन थोड़ा सा लेन जा रहा है लेकिन है बहुत सिंपल एक ही चीज को बस बार बार आपको करना है इन इस तरह के क्वेश्चन में सो so, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स फिफ्टी सिक्स ओवर सिक्सटी फाइव ठीक है सो यहाँ पर लिखेंगे इनवर्स uh, क्या था अपना फिफ्टी सिक्स ओवर थर्टी थ्री इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स 56 ओवर 65 और यही तो अपने को चाहिए था सो so, यहां लिखेंगे हेंस आंसर आ जाएगा आपका sin इनवर्स 56 ओवर 65 और यही अपना क्या है rhs तो lhs लेकर चले थे rhs ले आए तरीका वही है कि क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं मिल रहा है इसके लिए तो हमने cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया

तो देखिए फटाफट फड़ से करते हैं इसको तो सबसे पहले साइन टू फाइव अपॉन थर्टीन थोड़ा सा डायरेक्ट कर परपेंडिकुलर ओवर तो, यह तो यहां पर बेस इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी आपके पास वन फोर्टी फोर यानी कि ट्वेल्व ठीक है सो so, यहाँ से आपका टेन थीटा जो है ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर कितना था था बेस कितना था अपना ट्वेल्व so थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स फाइव अपॉन ट बात को तो ये जो साइन इनवर्स फाइव अपॉन थर्टीन है ना इसकी जगह पे आप जो है ये लिख सकते हो टेन इनवर्स फाइव अपॉन ट्वेल्व और ध्यान दीजिए कि ये जो लास्ट के अपने दो क्वेश्चन है इनको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है कई सारी चीजें हालांकि सब कुछ कवर किया है लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी डायरेक्ट कर दी है बाकी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वैसे ही उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन को ठीक है चलिए सो अब कौशन वर्स की बात करते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन है इसको भी टेन में चेंज करना है तो यहीं कहीं कर लेते हैं अपन सो so, इसको कौशन इनवर्स थ्री अपॉन फाइव है तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कॉस फाइव इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव

बेस कितना था अपना थ्री सो so, यहाँ से फाइव इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स अपॉइंट थ्री तो सीधी सी बात है यहां पर अब हम क्या करेंगे इस इनवर्स uh, की जगह पे ये लिख देंगे और इनवर्स की जगह पे ये लिख देंगे तो so, यहां पर देखो एल एच एस अपना टेन में है आर एच एस अपना साइन और कॉस में तो यहां पर आर एच एस लेकर चलेंगे और एल एच एस लेकर आएंगे ठीक है सो so, यहां पर टेकिंग आर एच एस ठीक सो so, ये हमने आरएचएस उठाया अब जो वैल्यूज हमने फाइंड करी है वही लिखेंगे फाइव अपॉन ट्वेल्व आएगा इसकी जगह पे फोर अपॉन थ्री आएगा इसकी जगह पे समझ गए बात को तो साइन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया अब यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो काम खत्म क्योंकि जो एल में आपको चाहिए वो खुद ही टेन इनवर्स है तो उसको चेंज करना ही नहीं है तो ये सबसे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था तो so, ये हो गया देखो यहाँ पर फॉर्मूला अपना लग जाएगा टेन इनवर्स ए एक्स प्लस वाई अपॉन ठीक है बस उसको सॉल्व कर लो काम खत्म टेन इन ट्वेल्व और थ्री का एलसीएम आ गया ट्वेल्व ठीक है तो यहां पर देखो यार ये फोर से कैंसिल हो रहा है फोर थ्री ट्वेल्व तो थ्री थ्री नाइन नाइन माइनस फाइव अपॉन नाइन ठीक है चलो सो ये आ जाएगा देखो और ये कैंसिल हो जाएगा थ्री फोर हजार ट्वेल्व थ्री थ्री हजार नाइन सो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स सिक्सटीन प्लस फाइव ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन अपॉन फोर इंटू नाइन माइनस फाइव अपॉन थ्री तो थ्री अपॉन फोर तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री वन जार थ्री थ्री टू हजार सिक्स फोर फोर हज़ार सिक्सटीन तो सिक्सटी थ्री ओवर सिक्सटीन So, 10 inverse, 63 तो आपको ये जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल गया तो हम आर एच एस लेकर चले थे और ये आ गया अपना एल एच एस तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ ठीक है खत्म तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कवर करने थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे कवर हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं और आपने देखे कि यहाँ पर मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको कुछ नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हालांकि एक दो क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी कर चुके थे लेकिन यहाँ पर उस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा थे ठीक है तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हालांकि फटाफट हो जाएंगे लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरीके से करना है हालांकि टेंथ क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर सकते हो तो वही कॉन्सेप्ट लगाकर यहाँ पर इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ठीक है सो आई होप की वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक जरूर कर देना आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है राइट और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू